दोस्तों आज हम आपको बतलाएंगे, ये देखिए ये मोमटिप के ऊपर आपका जो पानी का टंकी रखा रहता है, ये देखिए, तो ये जैसे बाई चांस किसी तरह से भी गर्मी से भी या जैसे भी या कोई बालक किसी कोई चीज़ लगा दिया हो तो टूट जाए, क्रेक हो जाए, तो उसको ठीक कैसे आप करेंगे, मतलब कम लागत में। वैसे तो टंकी चेंज अगर कर दिया जाए तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन नहीं, ये इसको थोड़ा सा 20-25 रुपया खर्च करके हम इस टंकी को काम में ले सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह देखिए, यहाँ किसी बालक ने तोड़ दिया है, यह देखिए ये जो चीज़ है, यह देखिए, ये तड़ेर दिखाई दे रहा आपको, यह देखिए, दिख रहा ना, यह देखिए ये जो है बालक सब इसको तोड़ दिया है। तो अब हम इसको कैसे सही करेंगे 20-25 रुपया खर्च करके, ये इसके बारे में आपको बतला रहा हूँ। यह देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या करना, इसको इस तरह से खुरच लेना है, यह देखिए, इस तरह से खुरच करके थोड़ा सा पकड़ बना देना, जैसे कि यहाँ क्रेक है तो थोड़ा सा दूर तक खुरच करके और इसको रफ बनाना है, जो कि वैसे जैसे टंकी ये पॉलिश किया हुआ है तो चिकना रहता है, तो ऐसा नहीं, इसको हल्का सा रफ करना है ताकि जो हम एम सील इस पर लगाएंगे वो बिल्कुल अच्छी तरह लग सके। तो देखिए ये है एम सील, यह देखिए एम सील, ये जो है लोहे का और प्लास्टिक को जोड़ने का काम करता है, लेकिन कैसे करता है उसके बारे में आपको बतलाऊंगा। ये देखिए, जैसे आप एक हार्डवेयर के आप दुकान से लेकर आओगे तो ये 20 रुपये का आता है, इसके इसको जब आप खोलोगे तो इसमें से दो किस्म का पार्ट निकलेगा, ये देखिए दो किस्म का। अब आपको मिलाना कैसे है, यह देखिए जैसे दोनों में से हम फाड़ के निकालेंगे, यह देखिए आधा इसमें से लिया है और दूसरा जो पार्ट है इसमें से भी हमें आधा लेना है। इस एमसील में यही खूबी है कि अगर हम किसी एक को लगाएं तो वो सेट नहीं होगा, जब तक कि हम दोनों को नहीं लगाएंगे मिलाएंगे जब तक ये सेट नहीं होगा। तो देखिए हमने अब आधा आधा दोनों में से ले लिया है, यह देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स दोनों को मिक्स करेंगे, यह देखिए इस तरह से मिक्स करना है, यह देखिए हम दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यह देखिए ये दोनों जब मिक्स हो जाएगा तो ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, या आपको हाथ में महसूस होगा कि ये गर्म लग रहा है मुझे, तो जब गर्म लगने लगेगा तो ऐसा समझिए कि दोनों मिक्स हो चुका है। अब हम इसको लगाएंगे, यह देखिए जैसे जहाँ ये टूट गया था यहाँ, तो यहाँ इस तरह से हम इसको लगाएंगे, यह देखिए पहले हल्का हल्का इसमें लगाएंगे इस तरह, उसके बाद फिर इसके ऊपर चढ़ाएंगे इस तरह, यह देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसको रफ इसीलिए करा था कि जब हम रफ कर देंगे तो इसको ये अच्छी तरह से पकड़ लेगा, फिर ये खुलेगा नहीं, यह देखिए। अब हम ये जितना मिलाया था हम सारे इसमें लगा देंगे, यह देखिए इसको इस तरह से मिलाएंगे, और जब ये आप एम सील जब भी आप लगाओगे इस टंकी में ऐसे रिपेयर करने के लिए, तो कम से कम उस टंकी में कम से कम 2 से 3 घंटा आपको पानी भरना नहीं है, क्योंकि पानी जैसे ही इसमें लीक होगा तो वो सेट नहीं होगा, और इसको सेट होने में 2 से 3 घंटा समय लगता है। यह देखिए अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुका है, लेकिन इसमें इस टंकी के अंदर हम क्या करेंगे, 2 से 3 घंटा पानी नहीं भरेंगे, दो से तीन घंटा पानी जब नहीं भरेंगे जब जाके ये होगा, ये सेट हो जाएगा इसके साथ, जब सेट हो जाएगा तो फिर ये पानी टपकना बंद हो जाएगा, और फिर ये नहीं कि ये 2 दिन 4 दिन या 1 महीने 2 महीने में कभी लीक हो जाए, ये कभी भी नहीं लीक होगा, ये जब तक आपका टंकी रहेगा जब तक भी ये लीक पानी नहीं होने देगा, इसका पकड़ इतना मजबूत है। लेकिन लगाने का यही तरीका है कि आपको जहाँ भी ये लगाना है तो पहले टंकी को रफ करना है, जैसे ये चिकने पे आप लगा दोगे तो ये नहीं रहेगा, उखड़ जाएगा, लेकिन रफ करना बहुत ज़रूरी है, जब तक अगर आप रफ नहीं करते हैं तो ये नहीं रहेगा, इसलिए आपको लगाने का तरीका मैं बता दिया हूँ। इसी तरह से आप अब आपके टंकी किसी तरह से क्रेक हो गया हो, धूप से भी कई बार क्रेक हो जाता है,
तो ऐसे परिस्थिति में आप टंकी नहीं बदल करके, टंकी बदलने में सीधा 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन आप इसको 20 से 25 रुपये में आप इसके इससे काम चला सकते हैं। देखिए तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपका टूटी हुई टंकी कैसे रिपेयर होती है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।